Hello friends, welcome to my channel. Friends, today I am going to show you how to do filming of MRV, MRI venogram. Okay, MRI brain with venogram भी होता है और only MRV ऐसा भी prescription लिख के आता है. तो brain with venogram है तो पूरा brain का filming मैंने एक video बनाया है, आप देख लेना उसको. वो brain का filming के अंदर वैसे पूरा brain का images दे देना. फिर दो फिल्म के अंदर आपको ये 3D मिप बना के देना है और एक एक्सियल मिप का दे देना. एक फिल्म में पूरा 3D ये वाला देखो, एक फिल्म में ऐसा 3D दे देना और दूसरे में ऐसा एक मिप बना के दे देना. ठीक है, तो ये ब्रेन विद विनोग्राम का हो गया. और ओनली विनोग्राम का फिल्मिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, ओनली विनोग्राम अभी ये मैंने ओनली विनोग्राम ही किया है. इसमें मैंने सीक्वेंस लिया है एक्सियल फ्लेयर, एक्सियल ग्रेडियंट, एक्सियल डिफ्यूजन और सैच T1. ओके, तो उसका फिल्मिंग तो मैं बताता हूँ. पहले इसका पोस्ट प्रोसेस कैसे करते हैं, कितना पोर्शन कट करना है और फिल्म में कौन सा व्यू देना है एग्जैक्टली, वो मैं आपको शो करूंगा. ठीक है, तो अभी सबसे पहले पेशेंट का डेटा लेते हैं. यहाँ पर हमने जो इनहांस वाला सिक्वेंस लिया है 3D वाला, उसको हम सिलेक्ट करते हैं और उसको लेते हैं हम 3D में अपना. ये एडवांटेज वर्क स्टेशन 4.6 ये वर्जन पे हम इसका अभी पोस्ट प्रोसेस करने जा रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले एक्सियल मिप जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सियल मिप देना है, उसका आप बैच बना लेना. ठीक है, बैच कैसे बनाओगे, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से साइनस स्टार्ट होगा, जुगुलर वेन वगैरह. ठीक है, ये साइनस स्टार्ट हो गया है, इसको यहां से थोड़ा थिकनेस बढ़ा देना. थोड़ा थिकनेस बढ़ाओगे तो मीप दिखेगा. ओके, ऐसे थिकनेस कर देना, 10-15 थिकनेस करोगे तो अच्छा लगेगा. ये देखो, ऐसे थोड़ा थिकनेस बढ़ेगा ना तो ये अच्छा अच्छे से दिखेगा. तो थिकनेस बढ़ा के पहले देख लेना. देखो, यहां से जुगुलर वेन स्टार्ट हो गया, तो यहां से बैच बना लेना आप. नहीं तो इसके ऊपर रख के भी आप इसको भी आप पूरा ये कर सकते हो, यहां से भी बैच बना सकते हो. स्टार्टिंग पॉइंट यहां से ले लेना, जुगुलर वेन से लेके यहां से सुपीरियर सेटरल साइनस तक लेके फिल्म में आपको कितना इमेजेस देना है. सपोज 30 देना है तो यहां से 30 इमेजेस डाल देना. थिकनेस इसकी हो गई 5 की. ओके, स्लाइस थिकनेस है 0.5, तो ये 30 इमेजेस कवर कर लेना. तो अभी बैच बनाओगे तो भी चलेगा. मैं लूप बनाता हूँ जनरली, यहां से क्लिक किया, लूप पे क्लिक किया, सेट स्टार्ट, और मैं यहां से पकड़ के इसको ले जाऊंगा सुपीरियर सेजेटल साइनस. यहां पे ये एंड हो गया. ओके, और यहां पे सेट एंड कर दो था, सेट एंड कर देना और यहां से इमेजेस डाल देना. आपको सपोज 30 का फॉर्मेट में देना है, 30 इमेजेस देके इसको सेव कर देना. ओके, ये एक फिल्म इसका हो गया. अभी ये हमारा मेन जो है, इसको कटिंग कैसे करते है, राइट क्लिक करके उसको जूम कर दो. पहले सबसे पहले लेफ्ट कर देना, लेफ्ट करने से सब दिख जाएगा कि ये अंदर का इतना भी ये पोर्शन है, इसको कुछ भी कट मत करना. ये कट किया तो चलेगा, यहां से इतना कट किया तो चलेगा. ठीक है, तो सेगमेंट पे जाते हैं, कटिंग वाला ऑप्शन लिया, इसको मैं इतना सिलेक्ट कर देता हूँ. 2-3 स्टेप में ही पूरा कट हो जाएगा. इसको इतना कट किया, लेफ्ट करके इतना कट कर देना सबसे पहले. आउटसाइड कट किया, AP किया, देख लेना ये साइड वाली सब वेन्स है, कॉर्टिकल वेन्स है वगैरह, वो सब कुछ मत कट करना. वेन ऑफ ट्रोलार्ड है, ये वाला है, ये सब कॉर्टिकल वेन है. ओके, सुपीरियर सेजेटल साइनस है. ठीक है, ये ट्रांसवर्स साइनस, ये सिग्मॉइड साइनस, ये जुगुलर वेन. ये इतना मेन मेन चीज आपको पता होना ही चाहिए विनोग्राम कर रहे तो. ठीक है, अभी ये क्या है कि वर्टिबल आर्टरी वगैरह आ गया है, तो उसको थोड़ा देखो, यहाँ पे थोड़ा फ्लोवर्ड ज्यादा आ गया है आर्टरियल. तो ये पूरा सर्कल ऑफ विलिस, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वर्टिबल है, बेजिलर है, ये इतना सब जो है ना उसको थोड़ा कट कर देना. नहीं किया तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, बट जितना ज्यादा कट करोगे तो अच्छा लगेगा. स्मॉल वेसल को लिया, रिमूव, इसके ऊपर रख के इसको ट्रेस कर देना, ऑटोमेटिक कट होते जाएगा. ये व्यू में लेके इतना कर देना, क्योंकि जितना कटिंग अच्छा करोगे ना तो फिल्म में अच्छा दिखेगा. ये आपको पता है, ये पूरा सर्कल ऑफ विलिस है आर्टरियल, थोड़ा आर्टरियल फ्लो ज्यादा आ गया है इसमें.
एमसी आ गया है, एसी आ गया, सब कुछ आ गया है। पेशेंट थोड़ा यंग है, उसका फ्लो ज़्यादा है, उसके लिए ये थोड़ा देखो इतना कट कर देना। अभी ये थोड़ा कट हो गया है ना, ऐड कर देना, यहाँ पे रख के ट्रेस कर देना इसको, तो ये ऐड हो जाएगा अपने आप। ठीक है, दो स्टेप में इतना हुआ। अभी एपी कर देना, इन्फीरियर कर देना, अभी आई कर देना, आई के ऊपर क्लिक, इसको थोड़ा स्ट्रेट करके देख लेना एनाटॉमी सब बराबर है कि नहीं। ट्रांसवर्स, सुपीरियर सेजेटर, ट्रांसवर्स, सिग्मॉइड, जुगुलर वेन, ओके, ये सब कॉर्टिकल वेन्स है, पैराइटल वेन्स वगैरह बोलते हैं इसको, ये कॉर्टिकल वेन्स है, ये सब कट मट करना। वापस लेफ्ट किया, ये थोड़ा गंदा दिख रहा है मुझे, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ से इतना कट टू कट लेके इसको आउटसाइड में डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, ये बस इतना ही, इतना ही, दो तीन स्टेप में था खत्म, ये हो गया आपका। ओके, दो तीन स्टेप में ही खत्म हो जाता है, कुछ जरूरत नहीं है। एक बार वापस एनाटॉमी देख लेना, ट्रांसवर्स साइनस, ओके, ये सुपीरियर सेजेटल साइनस पूरा आ गया है, ये वेन ऑफ गैलन यहाँ पे, ये अंदर, ये छोटी छोटी, ये वेन ऑफ गैलन, ओके, ये सब छोटा, ये सब भी साइनस ही है, इसको ये सब कट मत करने जाना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकता है। इंटरनल सेरिब्रल वेन वगैरह इसको बोलते हैं, रोजेंटल वेन, बेजल वेन, ये सब यहाँ पे इतने एरिया में है, रोजेंटल वेन, बेजल वेन, मतलब इतना मैंने जो तीन स्टेप में बताया उतना कट करके बस छोड़ दो, आपका सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको यहां से सेव कर देना आप रोटेशन में, राइट लेफ्ट सुपीरियर इन्फीरियर, इतना रोटेशन में सेव कर देना। फिर फिल्म में कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कोई भी फिल्म करते हो ना वीनो का, तो उसका भी मैं रोटेशन कैसे देते हैं, ये पोस्ट प्रोसेस होगा, इसको सेव कर दिया। ठीक है, अभी हम चलते हैं व्यूअर में, फिल्मर में जाते हैं, देखो अभी ये कैसे दिया है, एक व्यू ये दे देना, इसमें सब दिखा देना, और यहाँ पे लेबलिंग आप कर देना कि सुपीरियर सेजेटल साइनस है, ट्रांसवर्स है, सिग्मॉइड है, इंटरनल जुगुलर वेन है, ओके, ये हमारा कॉर्टिकल वेन्स है, ओके, और साइड पे आता है ये वेन ऑफ ट्रोलार्ट बोलते हैं। ठीक है, एक व्यू ये दे देना, एक व्यू इन्फीरियर करके दे देना, इसमें भी ट्रांसवर्स साइनस, सिग्मॉइड और सुपीरियर सेजेटल साइनस, वो परफेक्ट दिखेगा। फिर यहाँ पे इतना एक बना देना छोटा सा ग्रुप। ठीक है, इसमें क्या करना कि सबसे पहले लेफ्ट कर देना, फिर लेफ्ट से लेके ऐसे रोटेट करना, लेफ्ट टू राइट, दो में ऐसा मैंने देखो रोटेशन करके दिया है, सब कुछ दिख गया। ठीक है, ऐसा रोटेशन लेफ्ट टू राइट करके दे देना, और नीचे सुपीरियर टू इन्फीरियर करके चार इमेज ऐसे दे देना, समझ गए आप। ये लेफ्ट टू राइट पूरा मैंने रोटेशन करके दिया है, ये इमेज दिख गई यहाँ पे, इतना आ गया, पूरा रोटेशन ही है, पोस्टीरियर रोटेशन आ गया। इसको थोड़ा ऐसा टिल करके रोटेशन में दे देना, सुपीरियर टू इन्फीरियर इमेज दे देना, इसमें सब कुछ आपका दिख गया। फिर एक जो फिल्म है, मैंने फ्लेयर लिया है, ग्रेडियंट, डिफ्यूजन और सैच T1, एक फिल्म में मैंने मिक्स कर दिया 18 इमेज फ्लेयर का, और ये 15 इमेज मैंने सैच T1 का दे दिया। सेकंड फिल्म में डिफ्यूजन का 18, ग्रेडियंट का 18, ये दोनों कोरिलेट होगा। एक इमेज ये पूरा मिप का एक फिल्म, और ये फोर्थ फिल्म ये एक्जल मिप बना के ऐसे। ठीक है, तो चार फिल्म हो गया है हमारा, बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा यहाँ पे लेबलिंग कर देना तो डॉक्टर को अच्छा दिखेगा। ठीक है, बहुत ही इजी पैटर्न में आपको बताया, दो तीन स्टेप में ही वीनोग्राम का फिल्म रेडी हो जाएगा। सपोज फुल ब्रेन है तो फुल ब्रेन का चार प्लेट दे देना, चार फिल्म मतलब, और दो फिल्म ऐसा दे देना, एक है बड़ा मिप वाला, ये देना ज़रूरी है, और ये एक्जल मिप। ठीक है, ये एनाटॉमिकल के लिए ये बहुत जरूरी रहता है, चार प्लेट, चार फिल्म मैंने जो सीक्वेंस लिया है वैसे मैंने मल्टी में दिया। आपको जूम करके देना हो, सपोज आपको एक फिल्म में ही पूरा फ्लेयर देना है, एक फिल्म में पूरा डिफ्यूजन, एक में ग्रेडियंट, एक में सैच T1, तो बहुत सारा हो जाएगा फिल्म, इतना जरूरत नहीं है, ये बेसिक है और ये अच्छा दिखेगा, कुछ इश्यू नहीं है। इंस्टीट्यूट रहते हैं ना, वहां पे पूरा एक सीक्वेंस एक फिल्म में दे देते हैं, तो चलता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है।
प्राइवेट सेक्टर में इतना देने जाओगे तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा। मैंने 4 फिल्म बनाई है एमआर वीनो की। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा मेरी टेक्निक वगैरह, कटिंग वगैरह, जो भी पोस्ट प्रोसेस है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।